Assalamu alaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of Flutter app development, and today we have to learn two important widgets that are used to create responsive layouts in Flutter. These widgets are Orientation Builder and Media Query. In Flutter, we will see to both these two widgets with code example to understand in better way. Now let's start from Orientation Builder widget. This widget allow you to build different widgets depending on the orientation. आपको पता है मोबाइल की जब बात करते हैं तो वैसे भी दो ओरिएंटेशन होती हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप. ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी क्या है ओरिएंटेशन यूज कर सकते हैं ऑफ द डिवाइस. और यहाँ पर इसका सिंटेक्स है ओरिएंटेशन बिल्डर विजेट क्रिएट किस तरह से करते हैं, ओरिएंटेशन बिल्डर. और यहाँ पर बिल्डर जो है वो प्रोवाइड करेगा फंक्शन कॉन्टेक्स्ट और करंट ओरिएंटेशन जो आपकी, चाहे वो लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट है. और यहाँ पर हम ओरिएंटेशन जो आपने किया होगा, टर्नरी ऑपरेशन हमने टर्नरी ऑपरेटर्स जब हम पढ़ रहे थे तो ऑपरेटर्स वगैरह टर्नरी क्या होते हैं तो वो मैंने आप लोगों को बताया था. आप लोगों को फ्लटर ऐप डेवलपमेंट पढ़ने से पहले सीखने से पहले आपको डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाए, अदरवाइज डिफ़िकल्ट हो जाएगा. यहाँ पर हम क्या थे उसमें एक अपना एक्सप्रेशन राइट करते थे. यहाँ पर हम कह रहे हैं ओरिएंटेशन जो है हमने पोर्ट्रेट रखी है. ठीक है, अगर तो पोर्ट्रेट होती है तो वो पोर्ट्रेट विजेट डिस्प्ले होगा, अदरवाइज लैंडस्केप विजेट आपको शो करेगा. अब ये इसको सेट किस तरह से करना है उसको हम देखेंगे एक कोड एग्जांपल के थ्रू, जिसे हम एग्जीक्यूट भी करके देखेंगे. नाउ लेट्स सी किस तरह से हम अपनी जो एप्लीकेशन है उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. अच्छा, ये फर्स्ट जो स्टार्ट से है वो सेम वही है जो एंट्री पॉइंट हम लोग करते होते हैं अपनी एप्लीकेशन में. जो भी फ्लटर ऐप है उसके जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, रन माई ऐप से. ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि किस तरह से करते हैं. ठीक है, और इसको कर लेते हैं. मैं फिजिकल डिवाइस अटैच करी हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को जो है उसकी ओरिएंटेशन दिखानी है. नाउ लेट्स सी. अच्छा जी, यहाँ पर सेम हो गया मेन मेथड जहाँ से आपकी ऐप रन करती है. स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट्स के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और बिल्ड मेथड के बारे में भी पढ़ चुके हैं. मटेरियल ऐप भी पढ़ लिया, स्कैफोल्ड भी पढ़ लिया जिसमें विजुअल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऐप बार जिसमें आप अपनी ऐप का टाइटल शो करते हैं. इसलिए अच्छा यही होगा कि आप लोग ये जो फ्लटर का कोर्स स्टार्ट किया स्टार्टिंग के लेक्चर से स्टार्ट करें तो आपको ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से समझ आ जाएगी. ठीक है, मैंने लेक्चर्स को अरेंज ही इसी तरह से किया है. जो मेन विजेट्स आप लोगों की हर ऐप में, कॉमन विजेट्स आप लोगों की हर ऐप में यूज हो रहे हैं, ये जो मैं ऊपर दिखा रही थी, तो वो सारे विजेट्स पहले मैंने समझाए हैं. ठीक है, ताकि जब भी आप ऐप्स बना रहे हैं तो हाफ कोड तो आपका ऐसे ही खुद ही हो जाना है. ऐप बार में हम टाइटल सेट कर रहे हैं ओरिएंटेशन एग्जाम्पल का. अब यहाँ से जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है मेन कोड. ठीक है, जो ओरिएंटेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, ये सारा हमारा मेन कोड है जो कि ओरिएंटेशन की प्रॉपर्टीज सेट कर रहे हैं. ओरिएंटेशन बिल्डर विजेट यूज किया है. बिल्डर जो होगा फंक्शन प्रोवाइड करेगा कॉन्टेक्स्ट, बिल्डर कॉन्टेक्स्ट, और करंट ओरिएंटेशन जो भी आपकी एप्लीकेशन की होगी उसमें क्या है सेंटर किया है. जो भी रिटर्न होगा एक कंटेनर बना रही हूँ, एक ब्लॉक सा बना रही हूँ जिसकी हाइट और विड्थ आप लोगों के पास सेम है, यानी स्क्वायर फॉर्म में होगा. और वही टर्नरी ऑपरेटर जो यूज किए थे आप किस तरह से, कलर में ओरिएंटेशन रख रही हूँ. ओरिएंटेशन है अगर वो पोर्ट्रेट है तो उसका कलर ब्लू होगा, यानी ट्रू होने पर ये होगा, और फॉल्स है अगर नहीं होगा अदरवाइज ग्रीन कलर होगा. यानी अगर तो जो उसकी ओरिएंटेशन है उस कंटेनर की वो पोर्ट्रेट हुई तो आपको ब्लू कलर का ब्लॉक दिखेगा, अदरवाइज ग्रीन दिखेगा, या लैंडस्केप पर ग्रीन दिखेगा. फिर उसके चाइल्ड में अब लिखा हुआ भी कुछ दिखाई देगा, सेंटर में आपको टेक्स्ट दिखाई देगा जिसमें अगर तो ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है तो आपको टेक्स्ट दिखाई देगा पोर्ट्रेट मोड, अदरवाइज आपको लैंडस्केप मोड दिखाई देगा. वो टेक्स्ट तो राइट कर लिया, उसका टेक्स्ट स्टाइल है फॉन्ट साइज 24 रख रही हूँ और उसका जो कलर है वो व्हाइट रख रही हूँ. छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए. और इसी तरह से ही आप ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप इजीली समझ पाएं. यहाँ पर जस्ट मैं कंट्रोल सी कर रही हूँ और एंड्रॉयड स्टूडियो को मैंने ओपन किया हुआ इसलिए क्योंकि मैं आप लोगों को ओरिएंटेशन जो प्रॉपर्टी है ना वो दिखाना चाह रही थी। यहाँ से मैं डिवाइस मैनेजर में अपनी जो डिवाइस है ना उसे स्टार्ट कर लेती हूँ। ठीक है, ये स्टार्ट हो जाए और इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर कंट्रोल ए। अच्छा जी, किस तरह से एंड्रॉयड स्टूडियो में आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। फ्लटर का प्रोजेक्ट, ओप्स ये मैंने यहाँ से कॉपी ही नहीं किया, जस्ट कंट्रोल सी करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर आ जाओ, कंट्रोल वी करेंगे और कंट्रोल एस कर दिया, यानी मेरा जो प्रोग्राम है वो सेव हो गया। और आप लोगों को पता है एंड्रॉयड स्टूडियो में भी मेन डॉट डार्ट की जो फाइल होती है उसके अंदर अपना प्रोग्राम राइट करते हैं। यहाँ पर मैंने जो है फिजिकल डिवाइस से अटैच किया है बिकॉज मैं इसको दिखाना चाह रही थी कि किस तरह से ये शो होता है। तो जस्ट आपने कलर्स वगैरह हैं वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों के लिए कोड जस्ट इतना सा, ठीक है, यहाँ पर आपने करना है। यहाँ पर मैंने फिजिकल डिवाइस जो है वो सिलेक्ट की है और जस्ट मैं क्या करूँगी, अपने जो प्रोग्राम को है वो रन कर दूँगी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उतनी देर में आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये सेम जो प्रीवियस लेक्चर्स का जो ऐप स्टार्ट की हुई थी फ्लटर चैनल डेमो के नेम से, तो ये वही है। और यहाँ पर आ जाएं और विजेट्स वगैरह बता दिए आपको। ऐप बार पर ओरिएंटेशन एग्जांपल दिखेगी, वो करके दिखाती। फिर इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर आउटपुट दिखा देती हूँ। यहाँ पर सेम यही कोड लेते हैं और इसको वीएस कोड में भी हम क्या करते हैं, पेस्ट करके देखते हैं और कंट्रोल एस। वो मेरे पास स्टार्टेड फॉर्म में था, यहाँ कोड रीलोडिंग का जो फीचर है वो अप्लाई हो रहा है और देखें किस तरह से आपको दिखता है। यहाँ पर क्या है, कलर्स मैंने आपको बता दिया है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट जो मोड था वो भी बता दिया आपको। तो हमारी जो फ्लटर ऐप है वो अभी दिखेगी ये इस तरह से। हमने कहा था कि वो यहाँ पर ओरिएंटेशन में सेट करी हूँ पोर्ट्रेट, अगर पोर्ट्रेट है तो ब्लू कलर दिखेगा, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ब्लू कलर है। और टेक्स्ट का कलर क्या दिखाई देगा, लिखा होगा पोर्ट्रेट मोड और टेक्स्ट होगा वाइट कलर का, तो यहाँ पर आप देखें तो वाइट कलर का टेक्स्ट है। और जैसे ही मैं ओरिएंटेशन उसकी चेंज करती हूँ तो आप देखेंगे कि आपके पास लैंडस्केप आ जाएगा और देखें इसका कलर खुद ब खुद चेंज हुआ है। जस्ट मैं मिनिमाइज करने लगी हूँ तो देखो ब्लू कलर का हो गया। ये ओरिएंटेशन चेंज है। हम अपने मोबाइल फोन की भी ओरिएंटेशन सेम इसी तरह से ही चेंज करते हैं। ये कंटेनर बनाया है जिसमें हमने टेक्स्ट सेंटर किया था और उसका जो साइज था वो 24 रखा था, ये चीज मैं आपको बता दूं। ठीक है, कलर मैंने टेक्स्ट का व्हाइट रखा था, यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज 25 टेक्सटाइल लिया था और हमने कहा था टेक्स्ट जो होगा वो पोर्ट्रेट दिखाई देगा अगर वो पोर्ट्रेट है, अदरवाइज लैंडस्केप होगा। तो ये देखा जाए ये पोर्ट्रेट फॉर्मेट है और इस तरह से करो तो लैंडस्केप हो जाता है। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर रही हूँ मैं, क्रोम पे कर रही हूँ। ठीक है, एक कंटेनर बनाया था जिसकी हाइट और विड्थ मेरे पास 200 थी, जस्ट मैं इसे 400 कर देती हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो हमारी जो डिवाइस है एंड्रॉयड स्टूडियो पर वो रन हो जाए तो फिर देखते हैं। ठीक है, ये इस तरह से है, देख रहे हैं ये बड़ा ब्लॉक हो गया और इस टाइप का। अगर मैं इसे जस्ट ये देखो, ठीक है, क्या किया मैंने, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, एक्टिव और इनएक्टिव कह सकते हो, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, इस तरह की आपकी जो आउटपुट है वो दिखेगी। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर दिखे तो यहाँ पर अभी हो रही है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को क्रोम पर ही यूज करके दिखा रही होती हूँ क्योंकि ये टाइम ले रहा होता है। ठीक है, ये मैंने आपको वैसे करके दिखा दिए। यहाँ पर होता है जो फिजिकल डिवाइस वाला है वो भी मैं आप लोगों को करके दिखा दूंगी जैसे ही वो डिस्प्ले होता है। चले हम दूसरा देख लेते हैं, MediaQuery किस तरह से यूज कर सकते हैं। हमने कहा ये दोनों इंपॉर्टेंट विजेट्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिव लेआउट्स क्रिएट करने के लिए यूज होते हैं, यानी जैसे उसमें स्क्रीन ओरिएंटेशन आ गए, डायमेंशंस वगैरह आ गए, तो वो इस तरह से लेने के लिए। और यहाँ पर MediaQuery विजेट है दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट एप्स डायमेंशंस इंक्लूडिंग द ओरिएंटेशन, कि उसकी ओरिएंटेशन क्या है, वो पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है, या उसके डायमेंशंस क्या है, पैडिंग क्या है, ठीक है, स्क्रीन साइज क्या है, इस टाइप की चीजें दिखाने के लिए आप MediaQuery को यूज करते हैं। वहां पर जस्ट अगर आप ओरिएंटेशन बिल्डर यूज करते हैं तो जस्ट ओनली स्पेसिफिकली ये यूज हो रहा होता है कि ओरिएंटेशन चेंजेस के लिए। ठीक है, लेकिन जब आप MediaQuery यूज कर रहे होते हैं तो उसमें फर्दर जो इंफॉर्मेशन है ऐप की, डायमेंशंस वगैरह, ओरिएंटेशन के साथ साथ डायमेंशंस वगैरह, पैडिंग वगैरह, ये सारी चीजें भी आप लोगों को बताती है ये विजेट। ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। यहाँ पर आ जाओ, सेम वही प्रोग्राम, सेम सेम सेम। यहाँ पर आप मटेरियल ऐप में होम जो प्रॉपर्टी है उसको सेट किए टू एन इंस्टांस ऑफ ओरिएंटेशन एग्जांपल, और इसी को एज क्लास क्रिएट करेंगे जो कि उसको यूज करते हुए एक्सटेंड करवाएंगे स्टेटलेस विजिट, जो कि हम स्टेटलेस विजिट क्रिएट कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि स्टेट जो आपके पास क्या कहते हैं कि स्टेटलेस विजिट और जो स्टेटफुल विजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं और किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। यहाँ पर ये भी किया हुआ है, यहाँ से हमारा आ रहा है, ठीक है। ये मेन कोड हमारा स्टार्ट हो रहा है तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर ओरिएंटेशन है, जैसे एक वेरिएबल लेते हैं ना, ओरिएंटेशन एक तरह से ली है और उसको सेट किया मीडिया क्यूरी ऑफ कॉन्टेक्स्ट टू ओरिएंटेशन, जो कि हमें करंट ओरिएंटेशन जो है आपकी कॉन्टेक्स्ट यानी एप्लीकेशन की या स्क्रीन की, तो वो आपको शो करेगा। रिटर्न स्कैन स्कैफोल्ड और ऐप बार सेट की और उसका टेक्स्ट सेट किया ओरिएंटेशन एग्जांपल। बॉडी सेंटर यानी सेंटर में कंटेनर बना रही हूँ जिसकी हाइट भी 200 है जैसे हमने ऊपर किया था। सेम उसी तरह से टर्नरी ऑपरेटर जैसे ऑपरेशन यूज करते हैं, आई थिंक ऑपरेटर था। तो ओरिएंटेशन अगर तो पोर्ट्रेट है तो मुझे कलर दिखाएगा ब्लू और अदरवाइज मुझे ग्रीन कलर दिखाएगा, और उसके जो चाइल्ड हैं, चाइल्ड क्या होगा, उसका टेक्स्ट होगा जो उस कंटेनर के अंदर लिखा जाएगा। और चाइल्ड में आ रहा है टेक्स्ट, उसकी अगर ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है तो वो मुझे पोर्ट्रेट मोड लिखा हुआ दिखाएगा, अदरवाइज लैंडस्केप मोड दिखाएगा। अब मैंने टेक्स्ट भी लिख लिया, उसको बता भी दिया क्या टेक्स्ट लिखना है, फिर उसके बाद उसका स्टाइल जैसे हमने ऊपर किया था 24 और कलर होगा उसका व्हाइट होगा। यहाँ पर भी हम जस्ट ओरिएंटेशन के लिए ही कर रहे हैं, आप इसको फर्दर भी डायमेंशंस वगैरह के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आ जाओ, कंट्रोल सी, और यहाँ VS कोड में कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, रुके हम वहां से कंट्रोल सी या कॉपी कर लें और यहाँ कंट्रोल वी करें, कंट्रोल एस करें और हॉट रीलोड का रीलोडिंग का जो फीचर है वो अप्लाई होता है। और यहाँ देखो पोर्ट्रेट मोड है और यहाँ पर जस्ट आप क्या करेंगे, वही लैंडस्केप वाला सेम उसी तरह से। यहाँ पर भी हमने एग्जांपल वैसे वही ली है के लैंडस्केप, लेकिन आप मीडिया क्यूरी को आप डायमेंशंस वगैरह या और भी इंफॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह की ही हमने एग्जांपल ली है लेकिन और तरह से, यानी डायमेंशंस वगैरह और इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है ओरिएंटेशन के साथ साथ। ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ओरिएंटेशन का भी आ गया और एक्सप्लेनेशन भी आ गई। हम यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि आप मीडिया बिल्डर जो है, ओरिएंटेशन बिल्डर है आपके पास, तो उसको क्या है स्पेसिफिकली आप ओरिएंटेशन चेंजेस के लिए यूज करते हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर केसेस वेयर यू ओनली नीड टू रिएक्ट टू ओरिएंटेशन चेंजेस, ओरिएंटेशन चेंजेस के लिए यूज करते हैं। जबकि ये यूज किया जाएगा, इट इज यूजफुल व्हेन यू नीड मोर देन जस्ट ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के साथ साथ स्क्रीन जो है, डायमेंशंस, पैडिंग वगैरह के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन जस्ट यहाँ पर हमने इसे क्या किया है, यूज किया है जस्ट उसके लिए कि हम किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं ओरिएंटेशन में, बिकॉज हम देख रहे हैं कि किस तरह से आप यूज कर सकते हैं ओरिएंटेशन चेंजेस के लिए से, तो ये इसी तरह से वर्क करेगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ओके जी। यहाँ पर हम अपनी ऐप को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो एंड्रॉयड स्टूडियो में जो हमने ऐप क्रिएट की थी, यहाँ पर तो आ जाओ, ओके जी। यहाँ पर हमारे पास जो ऐप है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर जस्ट हम इसे इतना मैक्सिमाइज कर देते हैं, मैं एक ही एग्जांपल करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैक्सिमाइज कर दिया है। यहाँ पर मैं इसकी ओरिएंटेशन जो है वो चेंज करके देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करती है। तो यहाँ पर ओरिएंटेशन हम चेंज करने लगे हैं, यहाँ पर देखो ये इस तरह से, ठीक है। ओरिएंटेशन मैंने इसकी चेंज की है, जैसे ही की है तो ये मेरे पास लैंडस्केप मोड आ गया। अगेन मैं इसको स्ट्रेट करने वाली हूँ और ये देखो, ठीक है। फिजिकल डिवाइस पर इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अगेन हम इसे करके देखते हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पर ओरिएंटेशन चेंज हो गई, ठीक है। ये लैंडस्केप हो गई और हमने कहा था ग्रीन कलर कर दे और हमारे पास राइट किया हुआ दिखाई दे लैंडस्केप, और जैसे मैं इसे स्ट्रेट पोर्ट्रेट करती हूँ तो ये देखें ब्लू कलर आ जाता है, यानी ये रिएक्ट कर रहा है। जो भी स्क्रीन साइज यानी ओरिएंटेशन जो चेंज होती है स्क्रीन की, वो उसी को ही रिएक्ट कर रहा है। ये तो हमने कंटेनर बनाया है, तो जब एप्लीकेशंस बनाते हैं तो आप पूरी स्क्रीन को रिएक्ट करवा रहे होते हैं, तो उसके लिए आप कोडिंग कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर कोड स्निपेट्स या कोड छोटे छोटे यूज करके हम देख रहे हैं कि ये डिफरेंट विजेट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, तो आप चाहें तो आप यहाँ पर इसको कर भी सकते हैं, यानी आगे फर्दर चेंजेस वगैरह भी की जा सकती हैं। जैसे मैंने आप लोगों को VS कोड में दिखाया, आप उसकी तरह कर सकते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो ज़रा हैवी हो जाता है, जब आप VS कोड में करते हैं तो लाइट वेट है। आप दोनों में से किसी में भी अपनी एप्लीकेशंस डिज़ाइन कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, लेकिन हमने यहाँ डायमेंशंस, हमने ओरिएंटेशन ही चेंज करके देखी। आप MediaQuery को यूज़ कर सकते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अगर लेकिन जब आप ओरिएंटेशन चेंजेस की बात करते हैं तो ओरिएंटेशन बिल्डर बेस्ट रहेगा, बिकॉज इट इज़ स्पेसिफिकली यूज फॉर दिस पर्पज़। और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए MediaQuery यूज की जाती है। So we have completed today's lecture here, that in which we have learnt about orientation builder and MediaQuery. Both these widgets are used in Flutter to create responsive layouts, because हम responsive layout यानी different screen size, multiple screen size को response करने वाले layouts बना रहे हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिव हो, जो स्क्रीन साइज हो उसी के में ही एडजस्ट हो जाए। सो आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।